मथुरा की थाना राया में शुक्रवार को ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके परिवार के सदस्य की किसी ने हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि मृतक 3 दिन से गायब चल रहा था, जिसकी डेड बॉडी यमुना पार मिली है, जिसकी बॉडी पर चाकू के निशान बने हुए थे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस को तहरीर दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से उन लोगों ने हंगामा किया। आपको बता दें कि मृतक मथुरा में किसी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन 3 दिन पहले वह काम पर जाकर घर वापस नहीं लौटा, जिसकी तहरीर थाने में दी गई थी, लेकिन परिजनों को सूचना मिली कि मृतक की लाश यमुना पार पड़ी हुई मिली है। घटना ये है सर जी, हमारे बहनोई साहब हैं जी, हमने इनको ये 3 दिन से लापता हो गए जी। क्या नाम है? महेंद्र सिंह। अच्छा। और ये किसी कंपनी में मथुरा काम करते थे जी। शाम को जब लौटते वक्त किसी ने इनके साथ में दुर्घटना कर दी। हमें ये नहीं पता था कि हमारे आदमी कहाँ है कहाँ नहीं है जी। लेकिन हमने राय थाने में तहरीर दी और मथुरा में भी दी जी। तो हमको कल पता चला है कि एक आदमी की डेड बॉडी यमुना के पार पे मिली है जी। तो उसके बाद में इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन किया कि आपकी डेड बॉडी मिल चुकी है। वो डेड बॉडी पूरी तरह से चाकुओं से गुदी हुई और बुरी तरह से जला हुआ चेहरा मिली हुई है। इससे हमें साबित होता है कि हमारे आदमी की मौत की गई है।